हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एप्पल विजन प्रो के बारे में दोस्तों रिसेंटली एप्पल विजन प्रो मार्केट में लॉन्च हुआ और आ, इसके बारे में मैं एक्चुअली इतना ज़्यादा अवेयर नहीं था बट जब मैंने ये चीज़ देखी इन एक्शन उस टाइम पे मेरा माइंड ब्लो हो गया बिकॉज अगर आप देखने जाओ एप्पल विजन प्रो ये एक वी हेडसेट है मोरलेस बट इट इज़ अ कम्प्लीटली ओवर पावर्ड वी हेडसेट ये एक फर्स्ट जनरेशन डिवाइस है फ्रॉम एप्पल फर्स्ट जनरेशन का बेसिकली मतलब ये है कि अब इसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट्स होगी जैसे आप जानते हो एप्पल का जो आईफोन था उसका फर्स्ट जनरेशन था फिर बाद में सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ अब का जो आईफोन है उसमें और पहले वाले आईफोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मैं आपके साथ बस स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ और ये एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं अगर वीडियोज आपको दिखाऊँ तो मैंने एक्चुअली एक एम uh, का ये वीडियो देखा यू नो यूजिंग एप्पल आई थिंक ये वाला नहीं था uh, हाँ ये वाला वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद मैं कन्विंस हो गया कि बॉस यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला है आई I मीन mean, ये जो डिवाइस एप्पल ने बनाया है नेक्स्ट लेवल है बिकॉज आप सोचो अब उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो एक्चुअल में आप पहन के बाहर घूम सकते हो राइट right? सो so, मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन द एज ऑफ कंप्यूटिंग बिकॉज मोबाइल फोन जब आया था uh, तो उस टाइम पे एक नया रेवोल्यूशन आया था और उसके बाद फिर जब आईफोन रिलीज हुआ था फिर बाद में आपके एप्स एंड वो सारा इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था फिर बाद में वी आर के हेडसेट्स आए थे उस टाइम पे लगा था कि कुछ एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी में एकदम बूम आने वाला है बट उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया राइट टू एन एक्सटेंट वेयर वी हैड टू वेट ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड वो पहला वाला जो अगर आपको याद है गूगल uh, कार्डबोर्ड करके आता था मैं आपको वो एक स्क्रीन शेयर करके वो भी बता देता हूँ uh, ये देखिए अगर आपको याद है अगर आपने कुछ इस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा तो ये देखो गूगल कार्डबोर्ड करके एक डिवाइस uh, आता था uh, ये देखो ये गूगल सर्च पर मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉपर कार्डबोर्ड डिवाइस था उसके अंदर लेंस थे और यहाँ पे आपको फ़ोन रखना रहता था और बेसिकली लाइक आई डोंट नो लाइक उस जमाने में काफ़ी सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें की भी थी और मैंने भी ये सब चीज़ की थी लाइक like फ़ोन लेते थे फ़ोन को वो कार्डबोर्ड uh, के अंदर रखते थे और फिर बाद में वी आर वगैरह एक्सपीरियंस करते थे मज़ा आया था मतलब ओवरऑल इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस फन एरा बट एप्पल विजन प्रो इज़ टेकिंग इट वन स्टेप फर्दर मतलब ये आप एक्चुअली अभी देखोगे तो लोग इसको पहन के चल रहे हैं रस्ते पे चल रहे हैं यू नो प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं और ये देखो ये इसके एक्चुअल रियल लाइफ एप्लीकेशन से यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे हावर किया है ये एप्पल का ऑफिशियल वीडियो है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ इसको अपन साथ में देख सकते देखिए यहाँ पे अब आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ये इसने एप्पल विजन प्रो पहन लिया और सामने सामने एकदम एक विजुअल फिडेलिटी भी देखो सामने सामने सीधा उसको इंटरफेस दिख गया और जेस्चर्स के थ्रू आप प्रॉपरली इसको कंट्रोल कर सकते हो और ये देखो मूवीज़ देख सकते हो सामने सामने तो ये एकदम बोल सकते हो ना ये आप आप में आपकी रियल लाइफ ज़िंदगी में और वर्चुअल वर्ल्ड में एकदम जो डिफरेंस है वो डिमिनिश होते जा रहा है एंड यू you नो know, मैं जस्ट अभी सोच रहा हूँ अबाउट दी एंडलेस पॉसिबिलिटीज ये देखो पूरा मतलब आप बैठे बैठे उसके ऊपर टक 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 करके कंप्यूटर जैसे यूज भी कर सकते हो uh, फिर आई थिंक ये देखो जैसे आप पूरा एनवायरमेंट चेंज कर लिया आपने तो <laughs> प्रॉपर आप एक जगह पे बैठे बैठे दूसरी जगह का मज़ा उठा सकते हो तो यार ये मतलब कुछ बड़ा होने वाला है अब एप्पल ने यहाँ पे स्टेप ले लिया है एप्पल ने ये इनिशिएटिव ले लिया है तो अब यहाँ पे कुछ बड़ी लेवल की सीरियसनेस आने वाली है क्योंकि ऑब्वियसली एप्पल अगर किसी चीज़ में एंटर करता है तो वो पूरे स्पेस को रेवोल्यूशनइज कर देता है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू सी फ्रॉम अ गेम डेवलपर्स पर्स्पेक्टिव राइट अब आते हैं चलो एप्पल विजन प्रो के बारे में बात कर लिया अब बात करते हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में इमेजिन द एंडलेस सीनारी एंड गेम मैकेनिक्स जो गेम डेवलपर्स बना सकते हैं यूजिंग एप्पल विजन प्रो इमेजिन आपका पूरा जो एनवायरमेंट है उसको ऑब्वियसली हम लोग ने सबने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम होपफुली वी आर एक्सपीरियंस किया है राइट बट फॉर दैट टू बी लाइक प्रॉपरली बैलेंस्ड एक अच्छे डिवाइस का होना बहुत ज़रूरी है एंड अब तक हम लोग ने जितने डिवाइसेस देखे एक्सेप्ट गूगल ग्लास वो सारे एकदम बल्कि है इतना इतना एकदम पूरा वो विज़न ब्लॉक कर देता है एप्पल विजन प्रो की खास बात यह है कि ऑफकोर्स वो बल्कि है फर्स्ट uh, जनरेशन है बट आई एम श्योर ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होंगी इनफैक्ट अगर आप एम के बी एच डी का वीडियो ध्यान से देखोगे तो उसने ये भी बोला है कि जो स्क्रीन है जो विजन प्रोपिक की स्क्रीन है इट्स नॉट अ लेंस इट्स नॉट अ सी थ्रू लेंस वहाँ पर एक्चुअल में एक स्क्रीन है और वो पूरा जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली कैमरा कैमरा के विजन से दिख रहा है सो so, जो यहाँ पे स्क्रीन है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आई थिंक मैंने जितना एम uh, के बी डी के वीडियो से डेराइव किया उतना मेरे को इतना समझ में आ गया कि वो प्रॉपर स्क्रीन है एंड कैमराज है जो उस स्क्रीन को वहाँ पे आपके लिए विजिबल करते हैं तो आई एम श्योर इसमें मे बी बैटरी लाइफ वो सबका पंगा रहेगा फॉर श्योर बट आई थिंक

ग्रैब एन आई फोन और आई पैड विद ID फेस आई डी टू फाइंड द राइट साइज फॉर यू इसको क्या स्कैन करना पड़ेगा क्या देखते स्कैन करते हैं मैं भी ये पहली बार कर रहा हूँ स्कैन ठीक है ये मैंने यहाँ पे भी स्कैन कर लिया देखते क्या होता है एप्पल विशन प्रो फिट ओके तो ये अब कुछ यहाँ पे ऐप में लेके जा रहा है ओके एप्पल स्टोर की ऐप में लेके जा रहा है अनफॉर्चुनेटली देखो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यहाँ दिस एप्पल स्टोर इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री और रीजन तो आई थिंक ये अभी फ़िलहाल सिर्फ यू uh, एस uh, में शायद अवेलेबल होगा यू एस या यूरोपियन रीजन्स में इंडिया में नहीं है सामने सामने आपका जब रिकॉर्डिंग करा हो तभी मैंने ये चीज़ देख ली बट uh, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा नॉट एन इशू तो आई थिंक इसके वेरियंट्स है राइट तो आई थिंक दिस इज़ सो ब्यूटिफुल कितना एलिगेंट लग रहा है राइट सो ब्यूटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ यार बहुत कंफर्टेबल भी लग रहा है देखो आई थिंक यहाँ पे ये जो क्वेश्चन एंड ऑल दिख रहे हैं राइट right? तो पीछे के साइड से आई थिंक ये देखो ये जो व्हील है इससे आप मे बी एडजस्ट कर सकते हो जो भी अपना साइज रहेगा हेड का उस हिसाब से सॉफ्ट सोलो निट बैंड ठीक है थ्री डी निटेड क्रिएटिंग अनिक रिब स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स क्वेश्चनिंग ब्रीदेबिलिटी एंड स्ट्रेच ये बहुत इंपॉर्टेंट है मालूम है और एप्पल जब चीजें करता है ना तो ये सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देता है कम्फर्ट कैसा है फिर बाद में यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ पे एप्पल का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है तो मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ ये डिवाइस को देख के एंड ओवरऑल आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि कैसे कैसे टाइप के अलग अलग गेम मैकेनिक्स आ सकते हैं एप्पल विजन प्रो को यूज़ करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर एप्पल विजन प्रो के लिए आपको गेम्स बनाने होंगे तो आप कौन से कौन से टाइप के गेम्स बनाओगे और कैसे कैसे टाइप के मैकेनिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे आई थिंक द पॉसिबिलिटीज़ आर रियली एंडलेस क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं थिंक ऑफ इट लाइक मल्टीप्लेयर गेम्स खेल रहे हो सामने सामने अगर आप पब्जी खेल रहे हो तो आप प्रॉपरली ऐसे इंट्रैक्ट कर पाओगे वर्चुअल वर्ल्ड में घूम पाओगे Uh, कोई एक यू नो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेल रहे हो या फिर ओपन वर्ल्ड गेम्स खेल रहे हो लेवल ऑफ इमर्जन विल बी नेक्स्ट लेवल एंड आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है यार बहुत मज़ा आने वाला सो विद दैट इन माइंड दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ मैं गेम्स और गेम डॉल्पन रिलेटेड काफी सारे रीड्स बनाता हूँ इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना